एक ऐसा जगह है जो इन दोनों को अंदरवा अंदरवा कनेक्ट कर रहा है, भले ही कहीं और खोसाता है वो कहीं और खोसाता है, लेकिन कोई ना कोई है जो दोनों को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ के रख रहा है। तो आपस में इसी जोड़ने वाले डिवाइस को हम कहते हैं मदरबोर्ड। जिस तरह से एक परिवार को जोड़ के रखने का काम माता करती है, माँ करती है, दो भाई में झगड़ा भी हो जाएगा तो वो भी मम्मी से कहेगा, ये भी मम्मी से कहेगा, पिताजी को भी कोई दिक्कत, मतलब माँ जो होती है पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। तो उसी तरह पूरे कंप्यूटर को जोड़ के रखने का काम करता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिवाइस है मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड में आपको ले आके अपना प्रोसेसर रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? प्रोसेसर, जिसे आप कहते हैं सीपीयू। अब देखिए सीपीयू जो कहते हैं ना, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इतने दूर में सीपीयू आ गया, खत्म हो गया सीपीयू का काम। अब इसमें रैम लगेगा, रोम लगेगा, आप कुछ भी चीज कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, जैसे कीबोर्ड का प्लग ले जाके खोसते हैं, तो भाई साहब वो भले आप कहीं भी खोस दीजिए लेकिन उसकी वायरिंग अंदर से इसी से आके जुड़ी रहती है। आप प्रिंटर भले कंप्यूटर के पीछे खोसिए तो खोसने वाला दिया, अंदर से वायरिंग उसकी मदरबोर्ड से होती है। आप कीबोर्ड जोड़िए, माउस जोड़िए, कैमरा जोड़िए, प्रिंटर जोड़िए, मॉनिटर जोड़िए, कंप्यूटर में कुछ भी जोड़ दीजिए, कंप्यूटर से किसी चीज़ को जोड़ने की क्रिया को कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। कुछ भी इंटरफेस कीजिएगा, उसकी वायरिंग अंदर से आके मदरबोर्ड तक ही रहेगी। अगर किसी की सप्लाई मदरबोर्ड से कट गई, जैसे मान के चलिए कोई कीबोर्ड की सप्लाई आई थी इस रास्ते से मदरबोर्ड में, यहाँ से सप्लाई कट गई, तो कीबोर्ड में कोई खराबी नहीं है भैया, मदरबोर्ड तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। यानी आपका कंप्यूटर में कुछ भी हो जाए उनको आना कहाँ तक है? मदरबोर्ड तक है। आना कहाँ तक है? मदरबोर्ड तक है वो वहाँ पे। तो अगर आप कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू को, तो मदरबोर्ड को क्या कहिएगा? हमारे हिसाब से जिस तरह से देश की एक राजधानी होती है ना, उसी तरह पूरे कंप्यूटर का राजधानी है मदरबोर्ड। यहीं पर आपका हार्ड डिस्क लगता है, यहीं पर एसएसडी लगेगी, यहीं मेमोरी कार्ड लगेगा, लेकिन ये रहता है अंदर, ये अंदर रहेगा, दिखेगा भले नहीं लेकिन ये रहता कहाँ है? अंदर रहता है। अब आप मान के चलिए आप इसके पीछे खोसते हैं ना कुछ भी, जैसे यहाँ खोस दीजिए, यहाँ खोसिए, यहाँ खोसिए, तो यहाँ पीछे से बहुत ज़्यादा खोसने का जगह रहता है, या सीडी चला दीजिए, तो अंदर मदरबोर्ड से ही सबकी कनेक्शन रहती है। मदरबोर्ड ही हर चीज, हर एक पॉट, जितने भी पॉट्स होते हैं सबका कनेक्शन मदरबोर्ड से ही रहता है। मदरबोर्ड खराब, कंप्यूटर खत्म। तो लोगों को लगता है कि भैया सीपीयू सबसे बड़का डिवाइस है, सचुरा सीपीयू सबसे बड़का डिवाइस है। यहाँ पे देखो इससे जो है सीपीयू कितना बड़ा डिवाइस है, यही है मदरबोर्ड का हिस्सा। इसलिए मदरबोर्ड पर वर्क इतना ज़्यादा होता है कि मदरबोर्ड हीट हो जाएगा तो इसके जो प्लेट होते हैं पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये सिलिकॉन के बने होते हैं, वो गल जाएंगे और एक दूसरे से सट जाएंगे, क्योंकि दोनों में दूरी बहुत कम होती है, और अगर सट गए ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे अगर दोनों में सट गए सब ये आपस में, तो बहुत तेज शॉर्ट सर्किट होगा। देखिए कितनी कम दूरियाँ हैं इनकी, अगर गर्मी होगा तो ये फैलेंगे और फैल के सट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो इसी गर्मी को कम करने के लिए एक फैन लगा दिया जाता है इसके अंदर। आप देखिएगा पंखाओं का, उसके अंदर पंखा चलते रहता है। इसलिए कभी भी लैपटॉप को चलाते वक्त किसी तकिया या ऐसे चीज़ पर नहीं रखना चाहिए कि उसके फैन से हवा बाहर ना निकल जाए, उसे सॉलिड चीज़ पर रखना चाहिए ताकि हल्का गैप बना रहे और हवा बाहर निकलते रहे। जिस तरह से इंटेल कंपनी प्रोसेसर बनाने के लिए फेमस है, उसी तरह से गीगाबाइट नामक कंपनी मदरबोर्ड बनाने के लिए फेमस है। अलग अलग कंपनियाँ आती हैं मदरबोर्ड के लिए।